नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने द हिंदू में एक जो आर्टिकल छपा था जिसमें ये बताया गया था कि एनएससीएन द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि भारतीय आर्मी म्यांमार में कुकीजो ट्राइब के लोगों को मिलिटेंट को आर्म्स प्रोवाइड कर रही है और उस आर्म्स का उपयोग करके वो कुकीजो ट्राइब के लोग म्यांमार वहां के मेती मिलिटेंट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। उसके ऊपर हमने आपके साथ कल एक वीडियो शेयर किया था कि किस तरह से भारत की आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट, हाल की जो इंडियन गवर्नमेंट है, वे लोग किसी भी कंट्री में इस प्रकार के जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, सिविल वॉर हो रही है, गृह युद्ध की परिस्थिति खड़ी हुई है, वहां पर दो में से किसी भी साइड को आर्म्स उठाने की सलाह भी नहीं देती। ऑन द कॉन्ट्ररी, भारत की करंट गवर्नमेंट और इंडियन आर्म फोर्सेस उन जगहों पर जाकर वहां पर मीडिएट करके उन कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजोल्व करने का प्रयत्न करती है। तो उसी के ऊपर हमने आपके साथ कल एक वीडियो शेयर किया था, लेकिन उसमें कुछ डिटेल्स ऐसी थी जो छूट गई थी, जो बाद में हमने एक्सप्लोर की और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें हमने आपको बताया था कि जो भी मिलिटेंट्स हैं या फिर जो भी मिलिट्री हुंटा के लोग हैं, उन लोगों के पास ज्यादातर चाइनीज वेपन्स पाए जाते हैं। उन चाइनीज वेपन्स का यूज करके मिलिट्री हुंटा और वहां के जो एथनिक आर्म ग्रुप्स हैं, वे लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं। और यहां तक कि जो मिलिट्री हुंटा है वो चाइनीज एयरक्राफ्ट का यूज करके और चाइनीज वेपन्स का यूज करके वहां की लोकल पब्लिक के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करती है, बॉम्ब्स मारती है और उस तरह से वहां के आम नागरिकों को, जो कि इनोसेंट सिविलियंस है, जो कि इस पर्टिकुलर युद्ध का भाग भी नहीं है, उन लोगों के ऊपर भी हमला कर। अब आते हैं इसके जो सबूत हैं उनके ऊपर और स्पेसिफिक जो नाम है जो म्यांमार की मिलिट्री को वेपन सप्लाई करने में बहुत ही आगे आते हैं कई सारे रिपोर्ट में, उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे और फिर ये क्लियर हो जाए कि कौन म्यांमार में वेपन सप्लाई कर रहा है। इसके लिए हम लोग चलते हैं दुनिया के एक ऐसी जगह जहां पर पूरी दुनिया का ज्यादातर ब्लैक मनी व्हाइट हो जाता है और वहां पर पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर जो गैंगस्टर्स हैं, मॉबस्टर्स हैं, कई आतंकवादी संगठनों के लीडर हैं, वे लोग जाकर अपना घर बसाते हैं दुबई। दुबई के जुमेरा गेट नामक एक बिल्डिंग टावर वन में 72वें माले पर 72nd फ्लोर पर एक व्यक्ति रहता जिसका नाम है न्यांग तुट ओंग। ये एक म्यांमार का वेरी वेल नोन बिजनेसमैन है या फिर कहें तो कुख्यात बिजनेसमैन है और ये फाउंडर है आईजीजी का, यानी कि इंटरनेशनल गेटवेज ग्रुप का। अब ये जो आईजीजी है वो सेंट्रल म्यांमार में अपने आप को लीडिंग शुगर मैन्युफैक्चरर के तौर पर प्रोजेक्ट करती है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत यह है कि इसी न्यांग तुट ओंग के इसी आईजीजी की 40 और अलग अलग सब्सिडरीज हैं जो अलग अलग देशों में फैली हुई है, जिसमें से कुछ देश म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और हांगकांग है। इसमें से जो स्पेसिफिकल सिंगापुर वाला यूनिट है वो कुछ इस तरह का है कि वहां पर जो भी कंपनियां स्थित हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप की, आईजीजी की, इंटरनेशनल गेटवे ग्रुप की, जो कंपनीज सिंगापुर में स्थित हैं, वे लोग म्यांमार मिलिट्री हुंटा को एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स और नेवी के वेपन सप्लाई करते हैं। ये रिपोर्ट जस्टिस फॉर म्यांमार के द्वारा पब्लिश की गई, जिसको हमने आपके साथ अभी अभी शेयर किया है। और उसके अलावा वो जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जस्टिस फॉर म्यांमार में, उसमें ये भी बताया गया कि इसी प्रकार की 100 से अधिक कंपनियां हैं जो कि ज्यादातर सिंगापुर और हांगकांग में स्थित है, जो म्यांमार में वेपन सप्लाई करने के लिए जानी गई है, पहचानी गई है और उन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन चालू हैं, क्योंकि कई सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके उन लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज को ये लोग ट्रेस कर रहे हैं। जस्टिस फॉर म्यांमार वो एक एक्टिविस्ट ग्रुप है वहां पर म्यांमार में, वो लोग ट्रैक करते हैं ऐसी सभी कंपनीज को, सभी बिजनेसेस को और ऐसे सभी लोगों को जो म्यांमार में वेपन्स ट्रेड इलीगली कर रहे हैं। तो उसी लिस्ट में एक जो बड़ा नाम आ रहा है वो है न्यांग तुट ओंग का, और उसके अलावा भी जैसे कि हमने आपको बताया 100 से अधिक कंपनियां हैं जो म्यांमार वेपन सप्लाई करती हैं। अब ये जो वेपन्स लाती हैं उनमें से स्पेसिफिकली अगर बात करें, आईजीजी ग्रुप की जो कंपनीज हैं वे लोग चाइनीज वेपन सप्लाई करते हैं म्यांमार को, जैसे कि इस पर्टिकुलर आईजीजी की रिपोर्ट में बताया गया। उस रिपोर्ट की जो लिंक है वो हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोग भी जाकर देख सके, काफी ही एक्सटेंसिव रिपोर्ट है और इसके अलावा भी कई सारी कंपनीज का उसमें नाम है और उसमें भारत का सिर्फ एक ही जगह पर आया है और वो भी 2022 में उसका आखिरी ट्रेड, आखिरी शिपमेंट गया था और उस शिपमेंट में भी जो चीजें गई थी वो थी 3000 फ्यूज। जी हाँ,
ना कोई वेपन बल्कि फ्यूजेस, 3000 फ्यूजेस म्यांमार में एक क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी को, उस भारतीय कंपनी के द्वारा 3000 फ्यूजेस सप्लाई किए गए थे। और सरप्राइज सरप्राइज, वो जो भारतीय कंपनी थी वो ओरिजिनली सिर्फ एक सप्लायर थी और उस फ्यूजेस के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ओरिजिनली यूएस है। तो यूएस मेड उन फ्यूजेस को भारत सप्लाई किया गया था, उसके अलावा और कहीं पर भारत का नाम नहीं। जबकि चाइना, यूएस, जर्मनी और ऐसी अन्य कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका नाम इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में लिया गया है, जो आप देख सकेंगे उस पर्टिकुलर लिंक पर जाकर। तो इसी प्रकार से फिर से एक बार स्पष्ट कर दें कि कल जो द हिंदू का रिपोर्ट आया था, जिसमें हमने आपको ये बताया कि चाइनीज वेपन्स का यूज किया जा रहा है वहां की मिलिट्री हुंटा और लोकल्स के द्वारा, वो इस पर्टिकुलर बात से सब्सटेंशिएट होता है कि इस तरह के जो लोग हैं और आईजीजी जैसी जो कंपनीज हैं जो कि ज्यादातर सिंगापुर में बेस्ड हैं, वे लोग म्यांमार मिलिट्री हुंटा को ऐसे वेपन सप्लाई करते हैं जो कि ज्यादातर चाइना से बने हुए हैं या फिर यूएस मेड है या फिर इवन जर्मन मेड है। उन वेपन्स को सिंगापुर के थ्रू वहां पर स्मगल किया जाता है और जो वहां की एथनिक आर्मीज हैं वो वहां के मिलिट्री हुंटा के, म्यांमार के मिलिट्री हुंटा के कैंप्स को कैप्चर कर लेते हैं और उसमें से जो वेपन्स वो लोग पाते हैं, जो भी एमिनेशन और एमओ वो लोग पाते हैं, उनका वे लोग उपयोग करते हैं म्यांमार मिलिट्री को काउंटर करने के लिए। तो इसी प्रकार से फिर से एक बार ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय सेना और भारतीय करंट गवर्नमेंट म्यांमार मिलिट्री हुंटा को या वहां के किसी भी एथनिक आर्म ग्रुप्स को कोई भी वेपन सप्लाई नहीं करती है। उनको जो वेपन्स मिलते हैं वो सप्लाई किए जाते हैं न्यांग तुत ओंग जैसे इनफेमस बिजनेसमैन के द्वारा, क्योंकि चाइना, यूएस और जर्मनी जैसे देशों से वेपन्स लाकर इनलीगली इन लोगों के साथ ट्रेड करते हैं और वेपन्स को म्यांमार में घुसाते हैं, जिन वेपन्स का यूज करके म्यांमार की मिलिट्री हुंटा म्यांमार के आम लोगों के ऊपर सालों से, फरवरी 2021 से अभी तक कॉन्स्टेंटली हमले कर रही है। उसमें ग्राउंड ऑपरेशंस भी किए जाते हैं, एयर स्ट्राइक्स भी की जाती हैं, जैसे कि दो तीन दिनों पहले ही एक पर्टिकुलर रीजन में मेंडले में किया गया था, जहां पर एक गांव पर म्यांमार हुंटा के द्वारा बॉम्ब गिराए गए थे, एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें कई सारे लोगों के मारे जाने की और कई सारे लोगों के डिस्प्लेस होने की भी खबर आ रही है। तो इसी प्रकार से अगर ऐसी कोई भी आपके पास खबर आती है जहां पर भारतीय आर्मी या करंट इंडियन गवर्नमेंट को, किसी भी इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाए किसी भी संस्था के द्वारा, तो उसकी पहले पुष्टि करें और इस रिपोर्ट का सहारा जरूर लें जो रेगुलरली ये लोग ट्रैक करते हैं और उसको कॉन्स्टेंटली अपडेटेड भी रख रहे हैं। तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज और कौन कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें 100 से अधिक कंपनीज जैसे हमने आपको बताया इन्वॉल्व हैं, जो म्यांमार की मिलिट्री को वेपन सप्लाई करती हैं इलीगली और उसी तरह से म्यांमार के एथनिक ग्रुप्स के पास भी वेपन्स पहुंचते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? ये जो पर्टिकुलर एक्सपोज है और ये जो पर्टिकुलर डिटेल्स है वो उसमें से 10% भी आपको पता थी, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है म्यांमार से रिलेटेड, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड या किसी भी इंडियन स्टेट से रिलेटेड, तो हमारे साथ जरूर शेयर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।